जीव विज्ञान, ये ठीक है, ये गलत। देखिए, जीव विज्ञान में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, श्वसन तंत्र हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा श्वसन तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े पढ़े क्या पढ़े, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पढ़े, पढ़ लिए ना। और क्या पढ़े, कंकाल तंत्र, और क्या पढ़े, और क्या पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं बताइए, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र। और हम लोग क्या पढ़े, एक्सक्रेटरी में, एक्सक्रेटरी में होता है आपका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब कितना तंत्र बच रहा है, और हमारा कितना तंत्र है, सात तंत्र होता है, तो कौन कौन तंत्र बचा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और आपका हो गया रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन यही बोलते हैं ना, जनन तंत्र, ठीक है। और बताइए, सात को तंत्र होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और क्या कहते हैं, छह हो गया, एक और घट रहा है, हो गया सात, सात हो गया। तो हम लोग ये पांच पढ़ लिए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द बेसिक, बाकी जो मूल जीव विज्ञान के अध्याय हैं, जैसे कि कोशिका क्या है, ऊतक क्या है ना, रक्त क्या है, समझ में आ रहा है सबको बात, मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, किसको दिक्कत है, जिनको दिक्कत है वो कृपया करके अंकित जी से संपर्क करें, हाँ ऑफिशियल साइट पर जाइए, उनके ऑफिशियल साइट पर। तो हम लोग पढ़े जनन तंत्र, आज हम लोग को पढ़ना है जनन तंत्र, ठीक है। जनन तंत्र में कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड नंबर टू पे। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेल जनन तंत्र, और फिर हम लोग देखेंगे फीमेल जनन तंत्र। और यहाँ पे आ जाइए मानव का, क्योंकि मानव का ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेल को क्या कहते हैं, पुरुष जनन तंत्र, और एक तरफ रहेगा स्त्री जनन तंत्र, मानव स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो जो मेन टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर वन, कि मादा जनन तंत्र से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन का नाम बताइए, नहीं वो तो मेल में होता है, टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, बट ये मादा जनन तंत्र से नहीं होता सिक्रीशन, ये मादा जनन तंत्र में सिक्रीशन होता है, बट मादा जनन तंत्र से जो नॉर्मली हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है रिलैक्सिन, और आपका यही क्वेश्चन आएगा और आता है ज्यादातर, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन, आर ई एल ए एक्स आई एन सी आई एन, तो एकमात्र क्वेश्चन जो आता है मादा जनन तंत्र से नॉर्मली जो सिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सिन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन कब होता है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन होता है जब प्यूबर्टी आता है, उसके लिए आता है एस्ट्रोजन, और जब प्रेगनेंसी होना होता है तब आता है प्रोस्टेजॉन, ये दो बात याद रहे, बट ये अंदर बहुत मेडिकल का टर्म है तो उतना अंदर घुसना नहीं है, है ना। तो तीन तरह का हो गया, ये पूछेगा कि विच ऑफ देम आर फीमेल हार्मोन, रिलैक्सिन,
मादा जनन तंत्र हार्मोन, हार्मोन का स्पेलिंग गलत है कि सही है, देखिए जरा आप लोग कैसे ऐसे ही है न वाला ना, अच्छा ये वाला लिख दिया सॉरी, अब सही है। तो मादा जनन तंत्र से तीन हार्मोन निकलता है, एक रिलैक्सिन, दूसरा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्पेलिंग बताइए कोई, ए एस नहीं होता है, ई ए एस टी आर ओ जी, और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये तीन हार्मोन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिक्रेट होता है, ठीक है, और मेल प्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिक्रेट होने वाला सिंगल हार्मोन टेस्टेरॉन, क्या नाम है फिर हम इंग्लिश लिख दें सॉरी, मेल जनन तंत्र से एकमात्र हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टेरॉन, टेस्टेरॉन ठीक है, नहीं टेस्टिस्टेरॉन, ऐसा टी ई एस, हाँ यस टेस्टिस्टेरॉन, टी ई एस टी ई एस फिर टी ई आर ओ एन, टेस्टिस्टेरॉन, और हिंदी में लिखिए ऐसे टेस टेस टी रॉन, एक मिनट, टे टेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है याद रहेगा। और टेस्टोस्टेरॉन किस ग्लैंड से निकलता है, हम लोग ग्लैंड में पढ़े थे, पहले हम पहले तुम पास थे पैट, और पहले हम पहले तुम पास थे पाव, याद है ये मंत्र बताए थे आप लोगों को, है ना, एकदम ये मंत्र है कि हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड इतना ही है ना, क्या था किसी को याद हो तो बताइए, साहिल जी याद है आपको, याद सुझा था, अरे हाँ हाँ, तो कौन सब सेम रहता था सर उस दिन, सब सेम था, हाँ नहीं हार्मोन नहीं, ये लिख लिए पहले, नहीं नहीं देखिए, पहले हम पहले तुम पास थे वाला में क्या है, पहले हम पिनियल ग्लैंड, पहले हम हाइपोथैलेमस, पहले तुम पिट्यूटरी, थायराइड, है पहले हम पहले तुम, फिर पास से पारा थायराइड, फिर नहीं थाइमस तो ही गया ऊपर, थाइमस यहाँ हो गया थायराइड, हाँ थाइमस करेक्ट, फिर पैट पैनक्रियाज, एड्रिनल और टी से टेस्टिस, ये है मेल ग्लैंड, मेल फिर हम हिंदी लिख दे सॉरी अंकित जी, पुरुष या क्या बोल देंगे उसको, नर सॉरी नर, नर यस नर ग्रंथि, नर इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावित ग्रंथियां, मेरा हमको उम्मीद नहीं था कि मेरा हिंदी इतना बढ़िया हो जाएगा, थैंक यू, अरे इसलिए आपको हम अपने दाहिने आलिंद के अंदर रखते हैं, अरे तो कोई और रख लिया क्या, तो बोली छोड़ दे रिलीज कर देते हैं, दाहिने आलिंद में अंदर छिपा कर रखते हैं अंकित जी को हम, नहीं नहीं वहाँ मेरा मेरा जो आलिंद और नीले है वो खाली है एकदम बिल्कुल, है कि नहीं, तो नर अंतर श्रावित ग्रंथिया, अब यहां से लिखेंगे पिनियल, पिनियल ग्लैंड का मुख्य वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पिनियल ग्लैंड, अभी तक ऐसे इसका कोई खास फंक्शन पता नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि नींद आना पिनियल ग्लैंड का काम है, ऐसा बोले, बट देर इज नॉट अ परफेक्ट रिसर्च, कोई बहुत मुख्य इस पे शोध नहीं हुआ, और मानव शरीर के सभी अंगों पर शोध हो भी नहीं सकता, क्योंकि नेचर जब फॉर्म करता है, भगवान जब बनाते हैं अंग को, तो हमसे पूछे तो बनाए नहीं, कि भाई तुम बताओ तो हम बनाए, जैसे यहाँ आदमी होता है यहाँ पाइप लगा दो, यहाँ पानी ला दो, तो मैकेनिक कर देता है, बट भगवान तो पूछते नहीं है, तो इसलिए उनका जो ग्रंथि है बहुत सारा वर्क ऐसा भी जो कि अननोन है, पता नहीं क्या करता है, तो पिनियल ग्लैंड अभी तक, मैं 2-3 साल पहले तक बोलता था कि पता नहीं क्या फंक्शन है, बट अब लोग बोल रहे हैं कि नींद शायद इसी से कंट्रोल होती है, पिनियल ग्लैंड से, तो नींद नहीं आएगा ऐसा है, बट अगर निकाल भी नहीं सकते
है ना, क्योंकि आप अपने शरीर से कुछ भी चीज़ निकाल नहीं सकते। 206 में से एक हड्डी कम करिएगा तो खराब ही जाएगा। यहाँ भी 9 को जो है, देखिए कितना ग्लैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देवी, 9 दुर्गा की पूजा हो रही है अभी, ऐसे समझिए आप। तो 9 ही ग्लैंड क्यों दिए, क्योंकि 9 दुर्गा 9 शक्ति। हाँ, तो फंक्शन नहीं पता चलता है ना, जैसे ग्लैंड का फंक्शन कैसे पता करिएगा, जो चीज़ दिखेगा तभी तो पता करिएगा, आप कर ही नहीं सकते। इनएक्टिव की जगह तो पूरा बॉडी इनएक्टिव हो जाएगा, और उसको काट के निकाल दे तो नहीं, क्या क्या तो थायराइड से निकल रहा है ना थायरोक्सिन हार्मोन, बट पिनियल से कुछ निकलता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम हो गया, उत्सव जी को एक बार निकाल दिया था, नींद नहीं आया दो साल, फिर लगाया देखो बाद में। अच्छा नहीं, है ना, हाँ बता देते हैं, ये हम लोग पढ़ाए हैं, आप नहीं आए थे तो हमारा, मैंने, हम बहुत शर्मिंदा है कि आप नहीं आए, और उसी दिन हम पढ़ाए, माफ़ कीजिएगा, आप नहीं पढ़े, नहीं आप लोग नए हैं ना, बट सौरभ जी पुराने हैं, और हम बहुत शर्मिंदा हो गए कि जिस दिन वो नहीं आए उस दिन हम पढ़ा दिए, दिक्कत ही होगी। तो सौरभ बाबू, सौरभ साहब, क्या सौरभ सर, नहीं मेरे नज़र में सब लोग जी हैं, अब आगे जा मत बुलवाइएगा, मेरे हम सबको जी बोलते हैं, वही बोलते हैं जा मत, जा बोल दीजिए सर, जैसे सौरभ जी जा नहीं बोलेंगे आगे, है ना, वो आप बोलिए, आप बोलिए, हम क्यों बोले, हम बोल दिए जी, आधा आप पूरा कीजिए, है ना। तो अब साहिल जी देखिए, अब साहिल जी ने आपको कोई जा बोल दे, देखिए याद करिए ना, सिंपल सा, बहुत सिंपल मंत्र बता रहा हूँ मैं, कि पहले हम, पहले तुम पास थे पैट, ये हमारा मानव शरीर में पाया जाने वाला नर अंतरस्रावित ग्रंथियां, मतलब कि मेल इंडोक्राइन सिस्टम है, का ग्लैंड नौ ही होता है, जैसे नौ दुर्गा की पूजा, और आज पहला दुर्गा, माँ शैल पुत्री, आप लोग बहुत लोग किए भी होंगे फास्ट, नहीं किए, नहीं हम सो किए थे तो थोड़ा भी लेट हो गया। तो नर अंतरस्रावित ग्रंथि, ठीक है, पिनियल, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये मास्टरों का मास्टर है, जो सब का मास्टर है उसका मास्टर है। अब हिंदी इसको कैसे लिखें, गुरु ऑफ गुरु ग्रंथि, गुरु ऑफ गुरु, गुरु गुरुओं का गुरु ग्रंथि, इसका ये नहीं, ये तो ये मैंने समझने के लिए, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे सिर के अंदर एक ग्रंथि होती है, एक मोटी जैसी फुला हुआ कुछ पैकेट होता है सेल का, जिसको बोलते हैं ग्रंथि, और अंतःस्रावित ग्रंथि का मतलब है कि जिससे कोई चीज़ का सिक्रीशन हो, श्रावण हो, बट बिना किसी पाइप का हो, बिना किसी डक्ट का हो, जैसे उसके सतह, जैसे पसीना निकलता है सतह से निकलता है, उसी तरह सतह से अगर वो कोई चीज़ सबस्टांस को बाहर स्रावित करता है तो उसको बोलते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, और अगर कोई पाइप से स्रावित करता है तो उसको बोलते हैं वाह स्रावित ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, ठीक है। तो पिनियल ग्लैंड जो है ग्रंथि है, इससे कुछ चीज़ का श्रावण होता है, मतलब कोई सबस्टांस इसके सरफेस से बाहर रिलीज होती है, ठीक है। इसका फंक्शन बोलते हैं नींद आता है इससे, वो उसी के सिक्रीशन से, हाँ पिनियल से नींद आता है, इसका मेन फंक्शन नींद आना है, बट ऐसा अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक, ठीक है, बट कुछ बुक्स में लिखा है, मानना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को, पी ट्यू, स्पेलिंग कोई बताइए, पी आई, पी आई टी यू, नहीं नहीं एक मिनट, पी आई टी यू आई टी ओ, हाँ बिल्कुल सही, पिट्यूटरी। हमारे शरीर के अंदर कुछ भी होता है तो यही इसके, यही जिम्मेवार है, ये दूसरी ग्रंथियों को और दूसरे ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, कैसे, केमिकल रिलीज करके, वहाँ से उसके त्वचा से, सरफेस से एक रसायन निकला, कुछ भी आपके मन में कुछ सोच रहे हैं, आपको भूख लगने वाली है, आप किसी को देखना चाहते हैं, आपको कोई देखना चाहता है,
जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी उस वो रसायन इसे से निकलेगा प्यूटरी से, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कि ज़्यादा मत निकालो कम मत निकालो। जैसे किसी को देखना तो 20 सेकंड ही देखो, नहीं तो इंडियन पेनल कोड लग जाएगा उसके ज़्यादा देखोगे तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर देगा कि भैया बनाओ 19 अब 20 अब बंद करो। हाँ, पिट्यूटरी का फुल फॉर्म पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे सारे बॉडी के फंक्शन और दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, गुरु ग्रंथी। मास्टर को हिंदी गुरु बोले ना, क्या बोलेंगे मास्टर क्या बोलेंगे, गुरु ग्रंथी ग्लैंड। हाँ ये तो बड़े मास्टर नहीं, हमको लगता गुरु ग्रंथी लिख दिया हम, शिक्षक ग्रंथी है ना। ऐसे मास्टर टेलर को भी कहते हैं, टेलर मास्टर। हाँ मास्टर का मतलब टेलर नहीं, तो मास्टर का मतलब जो दूसरे को नचाए, जैसे रिंग मास्टर सर्कस में, जैसे टेलर मास्टर है ना, वो मशीन नचाते रहता है कि नहीं। अब जैसे पेंटिंग मास्टर कलम नचाते रहते हैं, अब कोई आँख नचाते बोले आई मास्टर मास्टर का मतलब जो पूरा मास टटर करे बोलते बास के ऊपर टटर है मतलब। हाँ मैंने 12 महीना 12 मास टटर टटर करते रहे, उसको बोलते मास्टर, सही करेक्ट है ना। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जनन तंत्र में जो ग्राइन जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन है, तो नर जनन तंत्र का इंडोक्राइन ग्लैंड है टेस्टिस, इससे कौन सा सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन, सिंपल बात। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंड जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, तो आदमी का मतलब लड़कों का नर का ये एडम एप्पल फूट जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी आने लगा, मतलब वो बच्चा अब बड़ा होने लगा, व्यस्कता की तरफ हो जाने लगा। तो अमूमन 12 साल के बच्चे को बच्चा बोला जाता है, 12 साल से ऊपर जो है बच्चे उसको हम लोग बड़ा बोलते हैं, इसको किशोर बोलते हैं, किशोरावस्था टीनेजर, यस। जैसे 13 उसके बीच में टीन हो गया, टन टन आने लगता, टन टन पीछे से करते रहते उसको टीनेजर, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे 19 है, बट भारत के संविधान में 18 को ही हम लोग बोल देते हैं वो एडल्ट हो जाता है, व्यस्त हो जाता है ना टीनेजर। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने से उसकी मूछी आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, आवाज़ बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मतलब कंठ फूट जाएगा, जिसको बोलते हैं एडम एप्पल आ गया है ना, और मेल सिस्टम्स उसके से जनरेट हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए पुराने ज़माने में 12, 13, 14 साल में शादी कर देता था है ना। अब तो 30 साल में लोग सोचते हैं, क्योंकि 30 साल तक बच्चा बड़ा ही नहीं होता है ना, नहीं अगर बड़ा होता तो शादी हो जाती। बड़ा कब होता है, जब तक तो कुछ करने ना लगे, भाई नौकरी करेगा कमाएगा तब वो बड़ा होगा, तो बच्चा ही है उसको बोलते हैं, है कि नहीं सहेली क्या। आज की डेट उम्र में मॉडर्न साइंस बोलता है कि जब तक आप काम करके पैसे नहीं कमाने लगे आप बच्चे ही हैं, बच्चे बच्चे मन के सच्चे है ना। हाँ इसीलिए तो उसको बाबू बोला जाता है, बाबू है ना, बउआ है ना, बाप भी बोलता है कि हमारा बउआ के देखिए ना ये हो गया, बच्चा 25 साल का बोलता है बउआ जो है सोया हुआ है क्या क्या बोली सही बात ठीक है ना। तो इसको इसको कर लिए, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने किया है, बट आप जो नए हैं मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। पिट्यूटरी के बाद क्या आते हैं, थायराइड, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे कंठ के पीछे में होता है यहाँ पे, और इसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन किस केमिकल की वजह से बनता है, तो आयोडीन, इसलिए हम लोग नमक आयोडीन वाला खाते हैं। हाँ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है आयोडीन, और थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा अगर इसमें सिक्रेशन ना हो तो ये गलगंड रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग मतलब क्या होता है, ग्वाइटर, हाँ ग्वाइटर, ग्वाइटर गलगंड, घेघा तो भोजपुरी बोलते हैं, गल घेघा भी बोला जाता है, गलगंड और घेघा दोनों बोला जाता है। हाँ तो हम हिंदी सीख क्या है, कुछ तो फेंकने दीजिए हिंदी, पहले इंग्लिश पढ़ाते तो बोलते थे सर इंग्लिश कुछ हिंदी की तरफ जाइए, मातृभाषा हमारा हिंदी है, यस बिल्कुल मातृभाषा, भ्रातृभाषा, पत्नी भाषा, सास भाषा हिंदी पर इंग्लिश
सही बात। हिंदिया खत्म कर दिया काजी, सही बात। हिंदिया तो अपने खत्म कर दिया, बोलना चाहिए था हिंदी। कौन? नीतीश कुमार। तो समझ गया, थायराइड ग्लैंड क्या करता है? हमारा थायरोक्सिन घेघा रोग देता है, उसके बाद में क्या है पैराथायरॉयड, इससे पैराथायरोक्सिन निकलता है, हाँ, और कैल्शियम मैग्नीशियम का डाइजेशन करता है। ये हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा किया था, विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी सदन में, है ना? इतना विस्तार से चर्चा हुआ था, इतना विस्तार से हम लोग ग्लैंड सीखे, उतना विस्तार से और बहुत कम चीज़ सीखे, है नहीं? काफ़ी दो तीन कक्षाएं लगी थी इसमें, एक कक्षा में हो गया था, सही बात। उसके बाद आते हैं टी से, क्या होता है थाइमस, नहीं थाइमस तो हो गया, हाँ थाइमस, थाइमस यहाँ रहता है, थाइमस हमारा चेस्ट के पास रहता है, जहाँ मेरा माइक लगा हुआ है समझिए थाइमस के पास, यहीं पर थाइमस रहता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाता है, माइक के पास है थाइमस, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और बच्चों में थोड़ा ये वीक रहता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो करने लगती है, बढ़ती है, तो थाइमस, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैट, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज दोनों तरह का ग्लैंड है, एक हमारा एक्सोक्राइन भी है, एक इंडोक्राइन भी है, तो इंडोक्राइन की जैसे भी वर्क करता है ना? और क्या निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अगर इंसुलिन नहीं हो तो रक्त के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहने लगेगा और उसको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज, और उसके बाद हो जाएगा उसको हार्ट का मतलब ब्लड प्रेशर, और फिर दोनों मधुमेह और रक्तचाप दोनों मिलकर उसको पूरा तरह से चाप देगा। हाँ वही मतलब मधुमेह और रक्तचाप दोनों मिलकर उसको पूरा परमानेंटली चाप देगा, मधु कैटअप करेगा, मधुमेह नहीं, आपका इम्प्रूव हो जाएगा, आप हिंदी मीडियम से ना आप बात कीजिएगा अच्छा लगेगा। मान लीजिए इंटरव्यू में गए, आप उसको बोलेंगे कि सर देखिए रक्तचाप जो है बाहर में बहुत बढ़ गया है लोगों में, नहीं जनरली 60 साल से ऊपर आदमी को मधुमेह होता ही है ना, कम एज में भी हो रहा है, हाँ 40 में भी हो रहा है। नहीं मधुमेह और बीपी होने का सबसे बड़ा ये क्या है समस्या क्या है ना, कि हम लोग अपना जो शुद्ध भोजन है उसको छोड़ के अशुद्ध भोजन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, आप वेजिटेबल नहीं खा रहे, खीरा कब खाए थे लास्ट टाइम, अमरूद कब खाए थे लास्ट टाइम? मैं अभी नहीं आपको बता रहे, अगर हम मेजोरिटी की बात करें, आप अंतिम समय खीरा कब खाए थे? खीरा, खीरा कुकुम्बर, हाँ नहीं याद है। आप अमरूद कब खाए थे? हाँ नहीं, आप ना और बाकी लोग पूछिए, तो आप ये वेजिटेबल नहीं खा रहे, आप ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, पंख छिल के खा रहे हैं लोगों का, है ना, पंख नोच नोच के खा जाते हैं, हाँ फास्ट फूड भी खा रहे हैं, है ना? तो ककड़ी, खीरा, हरे मिर्च कब खाए थे आप अंतिम बार? हरा मिर्च खाने से दो चीज़ें, आप गर्ल के लिए बहुत अच्छा है, स्किन बहुत ग्लो होता है, चेहरे पर चमक आती है, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आवाज़ आपकी अच्छी रहेगी, गला आपका कभी ख़राब नहीं होगा, लड़का लोग का है कि मतलब उसका भी स्किन ग्लो करेगा, साइन आएगा, बाल काले, मशरूम खाने से ऐसा कुछ होता नहीं है, बट लोग मशरूम में ढूंढते हैं प्रोटीन विटामिन, प्रोटीन कुछ में आता है बट ऐसा कुछ होता नहीं है मशरूम। B12 से बेरी बेरी, ये जैसे बाल पकना बहुत सारे डिजी कॉज पे होता है, जैसे मेलेनिन पिगमेंट कम गया, तो मेलेनिन पिगमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दवा है काजू, कैश्यू नट, एक महीने काजू खाइएगा बाल काला हो जाएगा, ज़्यादा दो महीने खाएगा तो बगल वाले का भी काला हो जाएगा, जिसमें सट के बैठे हो उसका भी काला हो जाएगा, वो भी काजू, काजू सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बाल को अच्छा रखने का, काजू काफ़ी सारा मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है उसमें, इसलिए महंगा रहता है काजू, है ना? अगर पिछले जन्म में खाएगा तो अगले जन्म में बाल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल होता है, कोई खाया होगा, हुआ होगा तभी तो लिखा है, है कि नहीं होता है, तो नहीं क्या है कि आप जो खाए ना उसी से इतना पहुंचे भी हैं आप, ऐसा कोई नहीं मानते हैं, होता है, कौन सब्जेक्ट बताइए, मनोविज्ञान,
उसका देखिए एड्रिनल क्या है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जितना भी हम लोग को गुस्सा, क्रोध, प्यार, मोहब्बत, किसी के प्रति लगाव आता है एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनालिन का नाम का हार्मोन का सिक्रेशन होने से। आपने किसी को देखा, मैंने किसी कुत्ते को देखा, उसने पूछ हिलाया, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल निकल गया, आपके पास तो पूछ नहीं है, तो क्या ही लगेगा, हाँ तो खिला दीजिएगा, चुपका दीजिएगा। एड्रिनालिन ग्लैंड में इसको बोलते हैं फ्राइट, FFF, फ्राइट, फ्लाइट और फियर। अगर आप बहुत डरे हुए हैं, ये फियर है ना, या उड़ रहे हवा में, तो जैसे हवा मुड़ता आदमी कैसे रोमांच आता है, झूला पुझे लेगा, अचानक से लगेगा, उस समय ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एड्रिनालिन ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनालिन नाम का सिक्रेशन होता है। अगर आपको आपको किसी ने देखा, जैसे मान लीजिए कुत्ता ने आपको देखा, कुत्ता ने पूछ लाया, हमारा तो पूछा नहीं, तो हम क्या ही लगे, तो हम हाथ पैर चुचका देते, तो ये क्या है, दिस इज द रिवर्स एक्शन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं करते ऐसा। हाँ बोलिए बोलिए। तब भी होता है, कुत्ता खदेड़ लेता तो भागते क्यों है, क्योंकि फियर हो गया ना उसमें, तो आपको, आपने कुत्ते को अलग निगाह से देखा, वो आपको अलग निगाह से देख रहा है, तो क्या करेगा, हिल फिर उसको भागने की जरूरत नहीं, फिर कुत्ता भागेगा फिर कुत्ता भागेगा, कुत्ता भागेगा था। और ये हम लोग का टेस्टिस है, जो आज का हम लोग का विषय है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करता है, टेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और बच्चे जो है वो बड़े होने लगते हैं, है ना, जो भी नर है वो बड़े होने लगते हैं, नर बच्चे क्या। तो प्रश्न ये है कि सौरभ उस गली में गए कि जिसमें कुत्ते रहते हैं, इनको देख के जाना चाहिए, है ना, आप उस गली में गए ही क्यों जहाँ कुत्ते रहते हैं, नहीं आप उस गली में जाते हैं जहाँ पे इमरजेंसी था, सही इमरजेंसी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वाला नोट कर लीजिए, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं लिखाया हूँ, है ना, बाकी जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो सबसे हमें यहाँ पे पैट की जगह पाव हो जाएगा, पाव रोटी, पाव, ओ ओवरी, ओवरी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा गर्भाशय, एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है, ओवरी में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब क्या है वो हम लोग देखेंगे, थोड़ा अच्छी तरह में देख लेते हैं, है ना, हो गया, आगे बढ़े, पूछिए। हाँ तो और इंडो, नहीं नहीं ग्लैंड बहुत सारा है, बट ये इंडोक्राइन ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सोक्राइन तो बहुत सारा होगा, तो जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे तब उससे पढ़ेंगे एक्सोक्राइन में क्या है, तो हम लोग खाली इस कर रहे हैं, तो इसमें हमको ये बताना था बेसिकली कि पैट और पाओ, यहाँ पे वही है, पहले हम, पहले तुम, क्या है, पहले हम, पहले तुम, हाँ पहले हम, पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, पास थे, पास थे, पाओ, PAY, PAO, यहाँ तक वही है, और ये है ऊपरी, ठीक है। मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं बनाया भगवान ने, नेचर ने, सिर्फ और सिर्फ आपका पेल्विस बोन और टेस्टिस और ओवरी का अंतर है, बाकी सारा सिस्टम पूरा सेम है। पास थे, पाव, पाव रोटी आया कि बंटवारा हो गया कि नहीं, उत्तम उधर पाव नहीं चल रहा है, पाव की रोटी देख रहे हो, अच्छा इधर देख रहा हूँ, ओके, उत्सव, उत्तम बोल दिए, उत्सव, पाव भाजी, करेक्ट, ठीक है, लिख लिए एकदम, ओवरी, ओवरी, ओ भी ए आर वाई, ओवरी, ओवरी, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, सॉरी, आई एम जस्ट राइटिंग इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, ओ वी ए आर वाई, ओवरी, ठीक है। अब जनन तंत्र की बात करते हैं, जरा फोटो बना लेंगे, है ना, यहाँ देख लीजिए, मिटा हो गया सबका, ओवरी से निकलता है हमारा दो हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ओके। और जब फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, तो फिर मेल जो चाइल्ड होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, तो ऑलमोस्ट एज वहाँ पे भी 12 साल का है इंडिया में, ठंडे कंट्री में ये 20 साल के ऊपर है, मतलब ठंडे कंट्री में 20-21 साल में लोग बड़े होते हैं, और जितना हॉट, नहीं नहीं, जैसे आप इंग्लैंड में जाइए या रूस में जाइए, तो वहाँ 20-22 साल के बाद लोग बड़ा होता है, 20 साल तक लोग बच्चा ही रहता है, 18 साल 19 साल तक, क्योंकि सिस्टम शुरू नहीं होता है सब,
और अगर आप अफ्रीकन कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पर 10 साल में ही होने लगता है, तो इसीलिए ग्रो नहीं होता है। जब आपका प्यूबर्टी नहीं आएगा ना तब तक हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, जब प्यूबर्टी आएगा ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाएगा। ये भी है, अगर प्यूबर्टी पहले आ रहा है तो ग्रोथ फिर नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, मतलब लंबाई नहीं बढ़ेगी। जो बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते वो ज़्यादा लंबे भी होते हैं, इसीलिए अफ्रीका में क्योंकि हॉट है तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे कंट्री में आपको हाइट कम मिलता है, लेकिन कुछ कंट्री में हाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका जेनेटिक रीज़न है जिसकी वजह से उनका हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा कोल्ड कंट्रीज में प्यूबर्टी देर से आता है। ठीक है, ओके। इसमें से निकालें क्या फोटो कहाँ पे? यहाँ पे होम में, हाँ होम में एप्लीकेशंस में गए, फायरफॉक्स किधर है? किसको स्क्रॉल करें? ऊपर, अच्छा, क्या ब्राउजर्स नहीं खुलता है? हाँ बोलिए ना, कुछ रहे तो बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट नहीं भी तब भी बताइए। ठीक है, रुके रहो, क्या आगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेस्टिस। और ओल्ड एज में जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो बढ़ जाता है। अब इस ग्लैंड में खराबी होने से जो यूरिन है ना वो इस पाइप से ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉकेज ख़त्म हो जाता है उसका, सॉरी तो प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी होती है तो ग्लैंड बड़ा हो जाता है या ग्लैंड का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ओल्ड एज में, हाँ कौन? इटली स्पेन कहाँ था? ज्योग्राफी वाले बताइए। स्पेन ठंडा, इटली ठंडा है, इटली ठंडा है, इटली ठंडा है। हाँ यहाँ इंडिया में बताइए, 12 साल 13 साल मैक्सिमम, 13 साल से बढ़ाता ही नहीं कभी। किसी भी इंडियन चाइल्ड का प्यूबर्टी 13 साल के पहले ही आ जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लास्ट 13 साल, मतलब 13 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर कितना बता रहे हैं? आप ही बता रहे हैं कितना आ रहा है, 16-17, ये एवरेज है, मैंने उससे ज़्यादा भी जाता होगा एक आध साल आगे, तो 16 के बाद होते हैं, तो 3 साल का गैप है ना। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये खराब होने से ओल्ड एज में वो एक ऐसे झोला लटका देता है ऐसे हाथ में, आदमी लेके चलता रहता है, यूरिन उससे कलेक्ट होता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिन का बंद नहीं कर पाते, तो वो बाहर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका वास डिफरेंस है। ठीक है, वास डिफरेंस का काम क्या है? यहाँ से स्पर्म को ले जाना, और स्पर्म को ले जाके ये फिर वापस लाते हैं और फिर यहाँ पे इसी में फ्लो कराते हैं और लास्ट में आपका यूरेथ्रा से ही स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलता है। तो बिफोर कमिंग स्पर्म, यूरेथ्रा में एक केमिकल रिलीज होता है जो बेस होता है, जैसे अभी इसमें यूरिन एसिडिक होता है क्योंकि अमोनिया आता है उसमें, यूरिया आता है। तो यूरिन डिस्चार्ज होने के बाद में बिफोर सिक्रीशन ऑफ स्पर्म, ये पूरा आपका जो यूरेथ्रा है वो एक केमिकल से जो बेसिक नेचर का होता है ताकि स्पर्म उसमें मरे नहीं, है ना, नहीं तो एसिडिक में कोई भी एनिमल मर जाएगा, तो सेल भी एनिमल है, स्पर्म सेल भी एनिमल है, जिंदा होता है, वो नहीं मरे इसलिए इसको बेसिक बनाया जाता है। तो एक लिक्विड इसमें पहले आता है इसको हम, तब इसके बाद स्पर्म का रिलीज होता है। ठीक है, दोनों एक ही पाइप, हाँ यूरेथ्रा मेल में एक ही पाइप होता है। ठीक है, एंड दिस इज यूरेथ्रा, ये है आपका टेस्टिकल, जो टेस्टिस, दो टेस्टिस होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। अब टेस्टिस बाहर क्यों बनाया गया? क्योंकि जो स्पर्म सेल है ना वो कम टेम्परेचर पे ही जिंदा रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो मर जाएगा। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पे मर जाता है, इसलिए नेचर ने उसको बाहर किया ताकि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास मेंटेन रहे। तो चाहे किसी, कोई भी एनिमल हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कुत्ता हो, सारे एनिमल का टेस्टिस बाहर रहता है, उसके बॉडी से बाहर रहता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो उसको कि लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये तो बॉडी के अंदर भी तो हो सकता है। तो नेचर कभी भी कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बनाता जो कि यूजफुल नहीं है। वाई टेस्टिस इज आउटसाइड द बॉडी? इतना बड़ा शरीर पेट में कहीं भी रह सकता था, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर,
तो मर जाएगा इस पर। इसीलिए आप देखिए जिसको ये क्या कहते हैं बैल का जो सीमेन आता है या कुत्ते का या घोड़े का सीमेन आता है तो ठंडे बर्फ़ में बाहर से इंपोर्ट किया जाता है ना, फॉरेन कंट्री से या कोल्ड कंट्री से। अंडर थर्टी थर्टीन थर्टीन रहने से ये टेस्टिस आपका थर्टीन तेरह त्रय त्रय दस संस्कृत में बात करें तो त्रय हाँ दस त्रय है ना तेरह त्रयोदशी है ना, त्रयोदशी व्रत किया जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए, इसीलिए तेरह में किया जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्या है मतलब मेन मेल मेल उन्हीं को माना जाता है, प्रकृति और पुरुष में भगवान शंकर को ही मेल मानते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं क्लास के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये तो पता चल के वीडियो देखा बोले कि तो शंकर भगवान का प्रचार कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ है ना। तो ठीक है, तो 13 साल में जाके डेवलप होता है, इसके अंदर स्पर्म बनता है, स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है और फिर लास्ट में आपका यूरेथ्रा से बाहर आता है और सेमिनल वेसल्स है, ये सब का काम आपका ऐसा समझिए कि सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, एंड सेमिनल वेसल्स ब्लड से भरा होता है, तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आता है तो ये सेमिनल वेसल्स का जो ब्लड है ना वो पूरे इस ऑर्गन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेनिस जो है वो हार्ड हो जाता है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसल्स, फ्लो ऑफ ब्लड आता है और फ्लो ऑफ ब्लड काफ़ी देर तक मेंटेन रहता है, ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का आपको बता ही दिया, ठीक है, तो बस ये सब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेन क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेल प्यूबर्टी कब आती है, सेमिनल वेसल वगैरह नहीं पूछेगा क्योंकि सब मेडिकल का क्वेश्चन है, प्रोस्टेट पूछ सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये होने से यूरिनरी डिस्चार्ज का बीमारी होता है, मतलब किसी को अगर यूरिनरी डिस्चार्ज करने में यूरिन डिस्चार्ज करने में कोई बीमारी हो गई, यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा तो उसको बोलते हैं वो दैट इज द इम्बैलेंस या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, दैट इज एक्सोक्राइन, क्योंकि इसके अंदर पाइप है, पाइप है, जो भी पाइप से होता है उसको बोलते हैं वाह श्रावित ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो एक्सोक्राइन सिस्टम में आता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, बड़ा सिंपल चीज है, क्या उत्सव जी कोई प्रॉब्लम? अब एक बीमारी टेस्टिस में होती है जिसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं जिसका टेस्टिस बड़ा हो जाता है, हाँ। उसको क्या कहते हैं, बीमारी का नाम क्या है, क्या तो कहते हैं बीमारी का नाम, वो टेस्टिस स्वेलिंग हो जाता है तो टेस्टिस को काट देता है डॉक्टर, हाँ, हाइड्रोसिल, यस हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल का मतलब है कि टेस्टिस का इनलार्जमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो पेन होगा, उसके अंदर पस आ जाता है, मतलब लिक्विड भर जाता है और काफ़ी पेन करता है, तो क्या करता है जो एक्स्ट्रा इसमें ये है फ्लूड है, हाँ, जो एक्स्ट्रा फ्लूड है उसको काट के निकाल देता है, दैट इज द सिम्पटम ऑफ टेस्टिस हाइड्रोसिल, हाँ बिल्कुल, स्पर्म जो है वो कम हो जाता है तो हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर लोगों में 40 साल के बाद देखा जाता है, किसी यंग आदमी को नहीं देखिए। और स्वामी विवेकानंद ने कभी इतना कंट्रोल था उनको कि स्पर्म रेज नहीं किया जिसकी वजह से उनका टेस्टिस फट गया, ऐसे लोग बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता क्या सही है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड मैन थे तो उन्होंने टेस्टिस से या स्पर्म का रिलीज नहीं होने दिया जिसकी वजह से उनका टेस्टिस फट गया था, ठीक है। तो ये है और कुछ खास नहीं है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक कोलोन करके यहाँ से आता है ना, इधर वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक। हाइड्रोसिल होने का बहुत सारा रीज़न है, जैसे कभी कोई खेल रहा हो उसको चोट लग गई हो है ना, या और कोई इन्फेक्शन हो, कोई घाव हुआ कहीं जिसका इन्फेक्शन फैलता है, बीमारी का कॉज क्या है ये मेडिकल का टर्म आता है, ये कॉज समझना जरूरी है, हाइड्रोसिल हो गया वो बड़ा हो रहा है, अनवांटेड सेल ग्रोथ को भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ। नहीं, गॉल ब्लैडर नहीं है,
ये गॉल ब्लैडर पेट में होता है, ठीक है, ये ब्लैडर नहीं, ये ब्लैडर आपका सेमिनल वेसल्स का क्या बोलेंगे, डिपोजिशन ऑफ सेमिनल वेसल्स को ब्लैडर बनाएगा। प्रोस्टेट का मतलब क्या है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रोल खत्म हो जाता है, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हर ऑर्गेन पे कंट्रोल रखता है कि कहीं पे ज़्यादा रिलीज ना हो, कहीं पे ज़्यादा कम रिलीज ना हो, और सारे जो भी सिस्टम हो फंक्शन में काम करे। तो यहाँ पे देखिए एक आपका रबर बैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको बताए थे हम पहले इसका टर्म, स्फिंक्स्टर, SPHINCTER, स्फिंक्स्टर, SPHINCTER। स्फिंक्स्टर एक तरह का रबड़ बैंड होता है, ऐसे दब बंद हो जाता है, जैसे गले में भी होता है, जैसे आप मुंह बंद कीजिए जैसे बंद हो जाएगा। तो ये रबड़ बैंड जो है उस ऑर्गेन के सिक्रीशन को बाहर आने जाने से रोकता है, ट्रांसपोर्ट को। अब जब प्यूटेटरी ग्लैंड काम करना बंद करेगा तो ये रबड़ बैंड खराब हो जाएगा या इसका कंट्रोल खत्म होगा, तो इसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, तो जो भी यूरिन बनेगा वो इसे रिलीज होता रहेगा हमेशा, ऑलवेज। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कैसे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कंट्रोल करता है, वो केमिकल रिलीज करता रहता है। जब उसको एक फंक्शन करना है तो एक अलग तरह का केमिकल, दूसरा फंक्शन करना है तो अलग तरह का केमिकल, तीसरा फंक्शन करना है तो अलग तरह का केमिकल, ठीक है। तो हाँ, वो केमिकल कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है उससे, जिससे वो कंट्रोल रहता है। जैसे जैसे उम्र बीता, सेल में आपका स्ट्रेंथ घट गया, ठीक है, सेल फॉर्मेशन कम हो गए, एक दिन में हर दिन हम लोग जब सोते हैं तो 30,000 सेल हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो पुराने जमाने लोग बोलते थे कि चादर झाड़ दो उठने के बाद, क्यों? क्योंकि मरे हुए सेल्स पड़े हैं हमारे शरीर से, 30,000 सेल, ऐसा एस्टिमेटेड, मैंने गिना नहीं, मैं बोले हम गिन लो तुम, हम झाड़ते हैं, ये भी कोई भूत लगता है वीडियो में। तो 30,000 सेल हमारे शरीर का मरा हुआ सेल हमारे बेड पे आ जाता है, तो सेल मर रहा। तो जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं ना, मरने का सेल का संख्या ज़्यादा होता रहता है, बनने का सेल का संख्या, जो सेल संख्या सेल बनती है उसकी संख्या कम होती है। छोटे बच्चे में बनने की संख्या ज़्यादा होती है और मरने की संख्या कम होती है। तो देखिए उनका उनकी स्किन एकदम टाइट रहेगा, एकदम ऐसे ग्लो करेगा ऑटोमेटिक। जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे, स्किन में जो सेल की संख्या वो घटी घट रही है, बनने का संख्या कम हो रहा है, तो मांस जो है वो मतलब मसल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और लास्ट में खाली हड्डी बचता है। तो यहाँ पे वही चक्कर है कि यहाँ वाला भी तो सेल मरेगा ना, स्फिंक्स्टर भी तो सेल से बना है, वो सेल मर गया, अब नए सेल बने नहीं उसके, तो जहाँ पहले 50 सेल था वहाँ 10 सेल है, तो पक्का है कि माउथ लूज हो जाएगा, है ना। नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी है क्या, सही जी समझ गया, है ना। और जनरली मेल को जो पुराने जिन्होंने थोड़ा कंट्रोल नहीं किया अपने जवानी तक, है ना, उनको एक प्रॉब्लम होता है, हंसने वाली कोई बात नहीं। आप देखेंगे जो आदमी योगा करता है, सुबह वॉक करता है, उसको सब समस्या नहीं आती, लेकिन जो एकदम बुरा खींचा टांग तोड़ा, अरे जियो और खाओ, जब तक जियो खाते रहो पीते रहो, उनको ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा मेरा मानना है, कोई मेरा पब्लिक ओपिनियन नहीं है, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन है। मैं हमको ऐसा फील होता है कि अगर आप वेल मेंटेन्ड कंट्रोल्ड सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जियेंगे तो पुराने, जब आप ओल्डर होंगे तो आप भी तब तक आप यंग दिखेंगे, है ना। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल्ड नहीं रहेंगे तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, मतलब ओल्ड उम्र आएगा, बुढ़ापा नहीं बोलेंगे, मैंने पुरानी जवानी आएगी, तो आपका थोड़ा सा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, या मेल हो या फीमेल हो, ऑल, हाँ हाँ ओल्ड से पहले आप बोल्ड हो जाएंगे, है ना, ओल्ड में। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन जियेंगे तो ओल्ड में भी गोल्ड रहेंगे, चॉइस आपका है, ओल्ड में गोल्ड रहना या ओल्ड में बोल्ड हो जाना, है कि नहीं, ये है सर, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए फटाफट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन करता है रिलीज और उससे प्यूबर्टी आती है, और आपको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट के खराबी होने से यूरिन वाला प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी लोग कराते हैं, इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी होता है ना, ठीक है, हो गया। आगे कोई प्रॉब्लम, टेस्टिस के सरफेस नाम है टेस्टिस, तो टेस्टोस्टेरोन, है ना, हाँ ऐसे ऑन कर दीजिए, कहाँ से होगा, यहाँ से, ये ऊपर करना है नीचे करना है, अच्छा वाह, ठीक है, हाँ नीचे तो पहले से ऊपर करना है,
ठीक है आगे बढ़ें। एसी बंद क्या आ गया? आ गया, आ गया, वाह। चलिए आगे देखा जाए, बैक करें। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फीमेल हार्मोन, फीमेल, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फीमेल ऑर्गन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है मेल से, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें। हाँ, दोनों का टेस्टिस ने वहाँ दो ट्यूब से जाके ब्लैडर के पास में सिक्रीशन करता है स्पर्म का, और वहाँ से एक ही यूरेथ्रा से स्पर्म पूरा आता है। एक बार का स्पर्म रिलीज में लगभग 40 मिलियन स्पर्म होते हैं, 40 मिलियन, 40 मिलियन, लगभग उससे ज़्यादा ही। 40 मिलियन स्पर्म में से किसी एक स्पर्म का जब जाइगोट बनता है तो उससे एक चाइल्ड निकलता है। तो आप सोचिए खुद कितना 40 मिलियन में सेलेक्ट होके आ पाए हैं, यहाँ तो 4-5 लाख है। अब बताइए कौन सा कंपटीशन आसान था, वो वाला कि ये वाला? हर आदमी को बोले कि भाई तू बेकार है पृथ्वी पे। मेरा ये मानना है, साइंस बोलता है कि आप 40 मिलियन मतलब कि लगभग कितने करोड़ हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख, 4 करोड़ में सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गए, और यहाँ बोलता है कि 2 ही लाख में छट गए तो तुम नाकाम, नकारा निकम्मा हो, उसको बताना था। अरे भाई 4 करोड़ के पीछे छोड़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जी? अब उत्सव जैसे 6 करोड़ में आया है। साइज याद रहा सर, अब 10 करोड़। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। दुनिया में जो भी जीव बनता है ना, उसको नेचर ने बहुत पावरफुल क्वालिटी दे के बनाते, ऐसा नहीं बनाते। आपको कोई हक नहीं किसी को नकारा निकम्मा बोलने का, किसी को भी हक नहीं, चाहे वो चूहा हो, कीड़ा हो, छुछुंदर हो, तिलचट्टा हो, मच्छर ही क्यों ना हो। बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पढ़ाई लिखाई करके बेचारा आया है। क्या नेचर कभी किसी एनिमल को बेकार नहीं बनाता, जो भी नेचर में बेकार एनिमल है वो जीता ही नहीं है। ट्विंस में क्या है ना, एक सेल बढ़ जाता है, सेल डिवीजन माइटोसिस हो जाता है उसमें। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, उसका कोई साइंस ये नहीं बोलता कि किसको टूटेगा किसका नहीं टूटेगा। ये सब चीज़ साइंस से अलग है, थोड़ा साइंस का परे विज्ञान है वो, तो वो सब रिसर्च हो भी नहीं सकता है ना। ये बिना, जब तक आप अध्यात्म तरफ नहीं मुड़ेंगे नहीं होगा। हाँ है ना, अब जैसे द्रौपदी को अग्निसुता कहा जाता है, द्रौपदी आग से जन्म ली थी, 5 नारी दुनिया में जन्म नहीं ली, ये मैं साइंस के अलग बोल रहा हूँ। द्रौपदी, सीता, मंदोदरी और इनका अहिल्या और एक और थी तारा, ये 5 नारी ने जन्म नहीं लिया मतलब ह्यूमन बॉडी से। नहीं नहीं तारा तो ये थी, एक और थी पता नहीं, तारा सोचिएगा। हाँ किसका? नहीं मेघनाथ की तो वाइफ मंदोदरी ये थी, हाँ बाली, बाली की पत्नी। ये 5 नारी ने जन्म नहीं लिया, द्रौपदी अग्नि से निकली थी, सीता मिट्टी से निकली थी, घड़े से, इस तरह से अहिल्या, तारा और ये क्या बोले मंदोदरी, इन्होंने जन्म नहीं लिया, ये सब टेस्ट ट्यूब से पैदा। हाँ जो यहाँ बक्सर में जिसका मंदिर श्राप, तो श्राप बाद में पड़ा ना, वो जन्म नहीं ली थी, वो भगवान बोलते ब्रह्मा अपने हाथ से बनाए थे। अब क्या है साइंस पता नहीं, आज का टेस्ट ट्यूब है, बट टेस्ट ट्यूब में भी हमें एक और स्पर्म की जरूरत पड़ती है, उस जमाने में नहीं पड़ती थी, मतलब हमारा साइंस बहुत डेवलप था, अगर माना जाए कि सच्ची घटना है तो। अब कोई ऐसा बोले कि माइथोलॉजी है तो अलग बात है ना, दुनिया में है बहुत सेकुलर लोग, बट मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस जहाँ पढ़िएगा वो आपको प्रूफ करेगा कि भगवान है, साइंस प्रूफ करता है कि भगवान है, और अगर आप आर्ट्स पढ़िएगा तो बोलेगा ये सब कहानी कथा है, कॉमर्स पढ़िएगा बोलेगा कि मंदिर में बड़ी पैसा आता है। हर आदमी का दृष्टिकोण है ना। अब आप APJ अब्दुल कलाम जब पढ़ते थे तो वो समुद्र किनारे घूम रहे थे, तो एक आदमी मिला उनको रामायण पढ़ता हुआ समुद्र किनारे बैठ के, धोती उती पहन के, तो उनको बोले कि अरे आई एम BTEC स्टूडेंट, ये व्हाट आर यू डूइंग नॉनसेंस है ना। तो वो बोले कि बेटा तुम क्या करते हो? तो बोले मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। तो कौन से कॉलेज पढ़ते हो? बोले होमियो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो पूछे आप कौन है? बोले मैं ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हूँ। मेरा जिसके कॉलेज में तुम पढ़ते हो रामायण पढ़ रहा, समझ रहा? क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रूफ हो जाएगा ना, जैसे कोई बोले कि कोरोना वायरस है ना, हमें तो आप बता रहे ऑनलाइन वीडियो में, किसी से पूछे कोरोना वायरस दिखा दो हमको, दुनिया कोई साइंटिस्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि है कि नहीं भी पता नहीं है। अब उसका जो फिगर बनाता है तो हमारे यमराज का वो ब्रज के जैसा फिगर है उसका, नहीं नहीं जो यमराज वो देखे नहीं घूमता ऐसे रस्सी बांध के, दुर्गा माता वाला पिक्चर देखिए, वो ब्रज है कि नहीं? हाँ यम पास, जैसे नुकीला नुकीला कांटा।
तो एनीवे हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एनीवे डोंट वरी, आ गया वाह, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। तो हम लोग कौन सा फोटो ले लें, ये वाला कोई बढ़िया सा फोटो जिसमें सब चीज़ हो, ये ले लीजिए, ये अच्छा है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये है ओवरी, ठीक है, यहाँ पे बनता है एक, और एक बाई बर्थ करोड़ों एग नेचर ने बाई बर्थ जब जन्म लेता है फीमेल चाइल्ड उस समय दिया हुआ है, बट वो सारा एक मतलब अनडेवलप्ड स्टेज में रहता है। धुंधला हो रहा है क्या, क्या ठंड लग रहा है, बंद कर कम कर दीजिए, नहीं ठंडा है आज सुबह में, यहाँ पे आते क्या, यहाँ पे आएगा ठंडा, आइयो तो जी, नहीं बंद कर दिया ना, बंद कर दिया हो गया ठंडा हो गया। तो ये फैन ये चला लो ना, वो वाला चला लो, पंखा उछा लीजिए, आवाज़ करती है कोई बात नहीं, नहीं बंद कर दिया ना, ठंड लग रहा होगा, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बंद कर देता है कोई बात नहीं, डोंट वरी, नहीं आप गलत बोल दिए, उनके बगल बैठती तो थोड़ा फायदा भी होता है, आप बुरा मत मानिएगा, डोंट वरी है ना, मेरा आदत है बोल देने का, क्योंकि मन में हम रखते नहीं कुछ भी, मन में जो भी बोल दीजिए उसका हल्का हो जाइए, सामने वाला सुन के भारी हो जाता है। आपके मन में जो भी आपको बोल दिया आप हल्के हो गए, अब सामने वाला सुना वो भारी हो गया। हाँ बंद कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवरी में करोड़ों एग होते हैं, ठीक है, तो एट द एज ऑफ 13 ईयर ये ओवरी जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, लगभग 13 साल के आसपास, और पहला एग जब यहाँ से रिलीज होता है ना, तो यहाँ से रिलीज होके एक यहाँ पे आएगा, आता रहेगा, यहाँ पे रहता है। अब ऐसा समझिए जब एक वहाँ से आया तो उसको यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है, लगभग 14 दिन, लगभग 14 दिन, 13 से 14 दिन, 14 दिन तक यहाँ तक रहता है, 14 दिन में, 14वां में मतलब 14 डेज में, जैसे यहाँ से चला मान लीजिए 1 तारीख को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 दिन में यहाँ पहुँच गया, एक आ गया, ठीक है। अब एक जो है वहाँ पे 72 आवर्स रहता है, 72 आवर मैंने कितना दिन होगा, 3 दिन, एक दिन और पकड़ ले 4 दिन है ना, 4 दिन यहाँ पे एक रहता है, ठीक है, यूट्रस में, यूट्रस एक खाली जगह है, वैकेंट जगह है, 4 दिन के बाद में वो एक जो है फिर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जब टूटेगा तो फिर ये बाहर आएगा, तो उसको फिर बाहर आने में 14 दिन और लगेंगे, तो कितने हो गया, 28 दिन, तो 28वां दिन जो है एक जो टूटा हुआ डिस्ट्रॉयड एग है, जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें बहुत सारा ब्लड होगा, पस होगा, डिस्ट्रॉय एग के टुकड़े होंगे, और वो एग क्या है, तो हाफ सेल है, वो एक सेल नहीं है पूरा, आधा सेल है, उसको बोलते हैं हैप्लॉयड, हिंदी में कोई बताइए तो मुझे पता नहीं हैप्लॉयड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक कोशिए तो नहीं बोलेंगे, कुछ आधा बोलेंगे, हैप्लॉयड, HAPLOID, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड सेल है, मतलब उसके अंदर 46 क्रोमोजोम नहीं है, 23 क्रोमोजोम। अब वो 23 क्रोमोजोम वाला जो सेल है जो टूटा तो बाहर आ गया, तो 28वें दिन ये रिलीज हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्ध अगुणित, 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 गुणित मैंने गुना, अ मैंने नहीं, अगुणित, तो 28वें दिन ये एक डिस्ट्रॉयड एक रिलीज होता है, और उसको रिलीज होने में टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ एक ही रिलीज नहीं होता है, एक के साथ यूट्रस की पूरी वॉल टूट के रिलीज होती है, पूरा दीवार, मतलब पूरा सेल, यूट्रस का पूरा सेल, इंटरनल सेल रिलीज होता है बाहर, है ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से के नाम से जानते हैं। तो लगभग 4 दिन ये हुआ रिलीज, ठीक है, उसके बाद में ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो 13 साल से शुरू होता है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी आ गई। तो जब पहला एग रिलीज होता है तो सिर्फ यही फंक्शन नहीं हुआ, बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शन चेंजेस हुए, जैसे आवाज़ पतली हो जाना, श्रील हो जाना, चेहरे पे चमक आ जाती है, एक अलग आदमी अट्रैक्टिव दिखने लगता है, मतलब गर्ल अट्रैक्टिव दिखने लगती है ऑटोमेटिक, ये सब हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से होता है, स्किन के अंदर केमिकल चेंज होते हैं जिससे स्किन ग्लो हो जाता है, ठीक है, वो उसका अट्रैक्टिव लुक आ जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है, और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में भी काफ़ी सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे क्या बोले, एक तरह का अट्रैक्शन बढ़ता है,
जो दूसरे अपोजिट हार्मोन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि जब हार्मोन निकलता है तो उसकी खुशबू भी बाहर जाती होगी, कोई केमिकल है तो उसका खाना बनता है तो महक भी निकलता होगा। तो जब हमारे बॉडी में कुछ भी केमिकल रिलीज हो रहा है तो उसकी खुशबू हमारे बाहर में फैल रही है पसीने के माध्यम से, जैसे भी रिलीज हो रहा है, तो अपोजिट सेक्स वाले अट्रैक्ट भी होते हैं कि नहीं। कोई औरत जाए बूढ़ी भी, बूढ़ा तो छोड़िए जवान भी देखने लगता है, चलो माता जी जा रही है भाई, बट वो बेचारा करे क्या, दिक्कत है उसके दिमाग का ग्लैंड ने उसको बोला कि देखो, गलती उसकी नहीं है बेचारे की, गलती क्या होता है कि वो 20 सेकंड से ज़्यादा देख लेता है, गलती है ना है? ऐसे सब देखता, आपका गलती नहीं है, आप इधर बैठे हुए हैं कोई पीछे से जा रही, फिर भी आपका ब्रेन बोल देता है कि देखो जा रही है नॉट जा रहा है, ऐसा है हा? तो सेम चीज़ आप में भी होता है, द सेम हार्मोन अट्रैक्टिव हार्मोन जब कोई अगर मेल चाइल्ड जा रहा है उसके बॉडी से अगर निकल रहा है, बच्चा भी हैंडसम दिखने लगता है। आप अचारे देखिए 14 साल का बच्चा बहुत हैंडसम दिखेगा, और चश्मा उसमें लगाने लगेगा एकदम ऐसे, और शो करेगा कि मैं बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, नहीं भी रहेगा तो चश्मा लगाएगा, घड़ी लगाएगा, क्यों, अभी छोटा था तो नहीं मन, हमको नहीं मन करता घड़ी लगाने का। हाँ बिल्कुल नहीं तो नहीं समझता, समझना चाहिए गार्जियन को और आसपास के लोगों को, समझना चाहिए कि गलती उस बेचारे की नहीं है, गलती उसके अंदर उस ग्लैंड की है जिसने हार्मोन रिलीज करवाया। वो घड़ी पहनने लगता है, चश्मा खरीदने लगता है, वो लाल पीला टी शर्ट पहनने लगता है, जिम जाने लगता है अचानक से एकदम ऐसे से, है ना। सिमिलरली लड़कियां भी ब्यूटी पार्लर जाने लगती है ना, बाल कटवाने लगती है, भौं बनवाने लगी, आईब्रो थोड़ा गाढ़ा कर ले, थोड़ा पीला, अरे भाई 2 दिन पहले नहीं कर रहे थे, अचानक आप कैसे करने लगे, गलती उसकी नहीं है, है कि नहीं। तो हवा पानी नहीं, पहले भी हवा पानी था बट वो पानी अंदर नहीं जा रहा था, अब अंदर जा रहा है, हवा अंदर नहीं जा रहा, अब जा रहा है ना। अपने कपड़ों के प्रति, ड्रेसअप के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है अचानक से, कि हमको लाल पहनना है, पीला पहनना है, हमको जींस पहनना है, टी शर्ट पहनना है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन रिलीज होना शुरू। अब ये तो हो गया पहला, दूसरा क्या है कि जब एक यहाँ से आया तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, दूसरा क्या है कि डिफरेंट बॉडी में भी हमारा फंक्शन बढ़ जाता है ना, जैसे कि चेस्ट ब्रेस्ट आ जाता है, हिप बड़े होने लगते हैं, ठीक है, उन मुस्कान अच्छी हो जाती है, पहले जो मुस्कुरा लगता है कि दांत नहीं पड़ रहा है, अब लग रहा है कि अच्छा मुस्कुरा रहा है कि नहीं। जो बच्चे कभी सारी चुटकुला नहीं करते तो सारे सुनाने लगते हैं, है ना, चुटकुला सुनाने लगते हैं, है कि नहीं, कि मांग आया था खुदा से जिंदगी के 4 दिन, अब 2 आजूर में गुजर गया, 2 इंतजार में, भाई पहले नहीं आ रहा था तुमको 4 दिन पहले, अभी कैसे आ गया, वो खोजने लगता है कभी तक कहानी, है ना, नहीं हंसने की बात नहीं है, ये हो गया वन फंक्शन। अब देखते यहाँ पे दूसरा, अब क्या है कि अब ऐसा सोचिए कि अगर जब वो 13 डेज में यहाँ पे 14 दिन में आया, और उस समय अगर स्पर्म यहाँ आ जाता है, ठीक है, अगर स्पर्म आया तो स्पर्म और एग, स्पर्म फिर वापस, फिर एक जैसे ही स्पर्म रिलीज होता है, एक वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है, अगेन इट गोज बैक, पीछे की तरफ वो यहाँ पे बाहर जाता है, और स्पर्म यहाँ से फेलोपियन टिब में कहीं कोई एक स्पर्म, अब आप बोलेगा कि 2 ओवरी है तो इधर वाला भी इधर वाला भी, तो एक बार इस ओवरी से एक आता है, अगले बार इस ओवरी से एक आता है। इस सिस्टम को कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। मेंस्ट्रुएशन रोकने के लिए दवा भी है, मेंस्ट्रुएशन लाने के लिए दवा है, फर्टिलाइजेशन कराने का कोई दवा नहीं कि कब हम स्पर्म को डालें कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, स्पर्म फर्टिलाइजेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, आप एक निकाल लीजिए यहाँ से, एक एक निकाल लिए, एक शीशा का नली में रख दिया, एक स्पर्म निकाल लिया शीशा का नली में डाल दिया, और वहाँ पे जाइगोट बना, बट अंदर में यहाँ पे नहीं कंट्रोल कर सकता कि कोई दवाई दे भाई अभी हो जाए बच्चा, नहीं हो सकता। आप बाहर में कर सकते हैं, बाहर में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप दीजिएगा तो बन ही जाएगा, वो बार बार करना करते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कब एक उस स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन चीज़ है, इसी को भगवान ने अपने हाथ में रखा है, आप किसी को जन्म नहीं दे सकते। हाँ तो अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए वो क्या करता है, फेलोपियन टीम में डॉक्टर क्या करता है, ये नस ऐसे करके गांठ बांध देता है, जूते का फीता जैसे दोनों में बांध दिया, हाँ बंद हो सकता है, तो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, फिर साइकिल नहीं आती, तब भी नहीं आएगा, फिर इरेगुलर आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद है मतलब फेलोपियन ट्यूब या तो चिपका हुआ है या वो ठीक से खुला हुआ नहीं है, एनी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग,
और जिसको बाइक बच्चा नहीं चाहिए वो लोग क्या करते, इसको बंधवा देते जाके, नसबंदी, वो ऐसे नस रहता है, ऐसे गांठ बांध देता है, और अगर परमानेंट काट दिया तो फिर कभी नहीं होगा, तो जनरली लोग गांठ बांध देते फिर काम हो जाता है, गांठ बांध देते तो इधर से एक आना बंद हो गया, साइकिल रुक गई, फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो ही है ना, तो उसको क्या करिए, होता है बहुत नॉर्मल फंक्शन है, फीमेल का मेल का हुआ, मेल का फिर वहाँ वो बांध देता है, ये क्या बोले थे भी, जो टेस्टिस से जो निकल रहा था ना स्पर्म, उसको बांध देता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ, जाना है तुझे, जाना है, जाइए वो है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक 14वें दिन से 18वें दिन तक अगर स्पर्म नहीं आया तब तो नहीं होगा ये फर्टिलाइजेशन, बट अगर स्पर्म 14वें से 18वें दिन तक आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डॉक्टर एडवाइज़ करता है अगर बच्चा चाहिए तो आप इस डेट का ध्यान रखिए। इसके बाद भी ऐसा ही लोग मानते हैं कि नहीं 14 से 18 तक नहीं आया तो बाद में सेफ है, ये भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि 7 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है अंदर में, स्पर्म यूट्रस के अंदर 7 दिन तक जिंदा रहता है, तो प्रेगनेंसी 7 दिन बाद भी आ सकती है, मतलब कोई 18 यहाँ बोल दिया तो 25वें दिन भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है। एक तीसरा इम्पोर्टेंट बात और भी है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जब प्रेगनेंसी हुई तो जिस दिन प्रेगनेंसी हुई समझिए 14 दिन पुराना ऑलरेडी चाइल्ड है, क्योंकि 14 दिन पहले ही ये आया था, तो जब हमारा साइकिल बच्चा 270 दिन में होता है तो मतलब 15 दिन पहले से ही वो जन्म ले चुका है, क्योंकि एक तो 15 दिन पहले बन गया था, तो एक्चुअल चाइल्ड बर्थ जो है 15 दिन, डॉक्टर काउंट कर लेता है कि 270 दिन आज से, मतलब 14 दिन मैंने उसमें घटा देता है, तो बोलता है कितना तारीख को इसका बच्चा, ये चाइल्ड मैच्योर हो जाएगा, तो पहले हैप्लॉयड अगुणित मिल के बने गुणित, अब उसके तुरंत फटाफट उसके अंदर में डिवीजन होना शुरू होता है, और सबसे पहले बनता है हृदय 6ठे से 7वें सप्ताह में। हो सकता है क्योंकि काउंटिंग में गलती हो गई, नेचर कभी गलत नहीं करता, नेचर को पक्का पता है 270 दिन मतलब 270 दिन, तो नेचर 7 में होता है तो उसके बहुत सारे रीज़न है कि आपने फिजिकल वर्क करा दिया, अनडेवलप्ड हो गया, हार्मोन की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, दैट वाज एबनॉर्मल, क्या बोलेंगे, बर्थ, असामान्य जन्म, ठीक है, जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नहीं है ना, ऊपर दिया ना, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर ये क्या बोलते हैं फीमेल, हाँ बंद हो जाए, करेक्ट, अभी 2-3, अभी ये तो हो गया बंद वाला नसबंदी, अब क्या है कुछ इंजेक्शन से भी बंद करते हैं, है ना, ऑपरेशन भी करते हैं, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन आता है बट एक नहीं आता, मतलब एक अनडेवलप्ड आता है, अभी बहुत सारा मेडिकल साइंस बहुत आगे ग्रो हो गया तो अब दूसरे दूसरे तरीके भी अपनाने लगे, फिर कंडोम्स ही बनाए गए, फीमेल कंडोम भी बनाए गए कि स्पर्म को रोक दिया जाए वेजना में ही, वो इन ना करे सर्विक्स से होके यूट्रस के अंदर, तो दिस इज वेजिनल पैसेज जहाँ से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और इसका कोई फंक्शन नहीं है, वेजिना का सिर्फ एक ही फंक्शन है, गिव बर्थ, सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यूरेथ्रा इसमें नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पे यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथ्रा जो यूरिन डिस्चार्ज करता है वो इससे सेपरेट होता है, ये इससे ऊपर पार्ट में होता है, जबकि मेल में यूरेथ्रा से ही स्पर्म डिस्चार्ज होता था और यूरेथ्रा से ही यूरिन डिस्चार्ज होता था, बट फीमेल में यूरेथ्रा डिफरेंट होता है और वेजिनल पार्ट डिफरेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है, क्योंकि यूरेथ्रा पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरेथ्रा पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का और ये पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इतना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और बॉडी का कोई भी ऑर्गेन इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। चाइल्ड एक बार जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस में आके इसकी वॉल से चिपक जाता है, और वॉल जैसे चिपकता है एक कवरिंग आती है, इसको प्लासेंटा कहते हैं, चाइल्ड का एम्ब्रायो का कवरिंग को प्लासेंटा कहते हैं, और उसके अंदर में फूड, ये वाटर भर जाता है, फ्लूड भर जाता है, ठीक है, फिर उसके नाभि नाल से एक नस आती है जो उस प्लासेंटा से जुड़ा रहता है, और वहाँ से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उस चाइल्ड को मिलता रहता है, तो सिलेक्शन ऑफ चाइल्ड, सिलेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, सिलेक्शन ऑफ
फर्टिलाइजेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यहीं पे ऊपर वाले का रोल आता है ना। अब आप बोलिए कि हमको पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, तो चार कलर में ढूंढना पड़ेगा कि कौन है, सुंदर चाहिए, लंबा चाहिए, तो चार कलर में पता नहीं चार कलर में कौन है, एक दो नंबर तो है नहीं कि निकाल लीजिएगा। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नेचर वो डिसाइड कर लेता है कि कौन स्पर्म जन्म लेगा, बाकी सब वेस्ट। हाँ, वो ही आपका जेनेटिकली, वही मेंडल ने प्रूफ किया कि सारा ही प्रॉपर्टीज हमारा जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। हाँ हाँ, हो सकता है। तो आपका कहता है कि 7-8-10 पीढ़ी के पहले जो नेचर था ना, वो आपके बॉडी में चल रहा है, वो आपका रेसेसिव है, दबा हुआ गुण है वो, कब, हाँ, जो कब आ जाएगा ये पता नहीं, अनवांटेड हो, कुछ भी हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट से भी चेंजेज हो सकता है, आप जहाँ जिस माहौल में रहते हैं उससे भी चेंज हो जाता है। अगर आप अच्छे के माहौल में रहेंगे तो आपका बच्चा भी मंत्र पाठ करेगा, बुरे माहौल में तो सुबह जन्म लेते गाली देना शुरू करेगा, कार है पता है कि नहीं। तो ये सब हमारा इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल जो रीजंस है ना, वो हमारे बॉडी में बहुत चेंज लाते हैं। सोशल मतलब सामाजिक, आप किस समाज में रहते हैं, इकोनॉमिक मतलब आप कितना पैसा वाले में रहते हैं, है कि नहीं। हाँ, तुरंत नहीं होगा, उस जनरेशन में नहीं पता चलेगा, 2-3-4 जनरेशन के बाद में आपको पता चलेगा, तुरंत नहीं चेंज होगा। जैसे ऋषि सूरक को देखिए, आपको देखने से लगता है अंग्रेज, क्यों, 200 साल से रह रहा है, बट उसकी भाषा सुनिए, उसका लगेगा बात, उसके कान में सुनिए तो लगेगा अंग्रेज बोल रहा है, क्योंकि उसने सोशल चेंज कर लिया, सामाजिक बदलाव बदल दिया, फिजिकल और जेनेटिकल चेंज नहीं किया। नाम भी वही ऋषि सूनक, कितना नाम उसका रहा होगा, ऋषि की जगह वो रैसेंट भी तो रख करता था, सैरेसेंट सेंट था, क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, रैसेंट सेंट था, माने मिस रैसेंट सेंट था, वो बोल रहा है माने मिस ऋषि सूनक, क्योंकि सोशियो चेंज हो गया। अगर वो किसी अंग्रेज से शादी कर लेता तो उसके 2-3 जनरेशन के बाद में बदलाव हो जाता, बट उसके सारे फैमिली ने इंडियन फैमिली में शादी करा, इसलिए उसका जेनेटिक रह गया, सोशियो बदल गया, सोशियो और इकोनॉमिक बदल गया। अब जैसे तेजस्वी जी कृष्ण से शादी कर लिए, अब इनका जो बच्चा का बच्चा होगा वो बोलेगा आई एम टैज, माय ग्रैंडफादर टैज, फिर उसको हिंदू से, क्योंकि उसकी जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन चेंज हुई। हाँ, उसकी वाइफ क्रिश्चियन है, सब बोलते हैं ईसाई है ना। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमको लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, वापस चले। तो दिस इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल सिंपल बनता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, आपका टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से, ठीक है, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, यूरिन डिस्चार्ज, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको मूत्र जनित बीमारियाँ होती है, 4-5 क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और जो यही वेजिनल से जो सिक्रेशन होता है वही आपका रिलैक्सिन है। एट द एज ऑफ 45 के ऊपर, 45-50 मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, है ना। तो दैट वाज अ नॉर्मल फेनोमेनन। अब उससे होने वाली परेशानियां क्या क्या है, उससे 2-3 परेशानी होती है कि ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, एक आता रहता है ना, तो बोन्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि काफ़ी हार्मोनल चेंज होता है ना। और जैसे ही मेनोपॉज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, तो जो फीमेल होती है वो अचानक से ओल्ड दिखने लगती है, उनके मसल्स और ये सब जो, क्योंकि पुबर्टी आया ही था तो चेंज आया, तूफान आ गया, बदलाव आ गया अचानक से, अब वो बंद हो गया तो फिर वो सारा सिस्टम बैक हो जाता है, फिर ग्लैंड में उसी तरह होता है, फिर आदमी वो, हाँ वो एक निकालना, वो एक इसका डिस्चार्ज बंद हो गया, एक का डिस्चार्ज बंद हो गया, और एक ऐसे लाखों करोड़ों होते हैं, बट सारे एग नहीं रिलीज होते, बहुत सेलेक्टिव एग रिलीज होते,
मतलब कि नेचर ये डिसाइड करता है कि कौन सा जन्म लेने, किस तरह का प्रॉपर्टी का बच्चा जन्म लेने वाला है, इधर मेल की तरफ और उधर फीमेल की तरफ। मेनोपॉज फीमेल में होता है बट मेल में मेनोपॉज नहीं होता, अभी तक ऐसा नहीं माना गया कि कभी होता है, बट काफ़ी टाइम लगता है एट द एज ऑफ 80-75 के ऊपर भी, बट स्पर्म रेज मेल से बॉडी से होता रहता है। दिस इज अ ह्यूमन फिनोमेना। और कोई क्वेश्चन? ठीक है।